All right guys, welcome back to another episode of GTA 5 Zombie Apocalypse. तो guys यार तुम लोग को याद होगा कि हम लोग हमारे फैमिली को ढूंढने के सफर के लिए निकल चुके थे, लेकिन guys उस सफर में भाई बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे खतरा भी मंडरा रहा था, क्योंकि भाई हर एक जगह पे यहाँ पर जोम्बीज थे। वो जोम्बीज मुझे मारना चाह रहे थे, लेकिन भाई मैं उनसे जैसे तैसे करके बच के एक स्टोर को लूटपाट करी और वहां से हम लोग निकल गए गाड़ी में। तो आगे जाके हमारी वो गाड़ी खराब हो चुकी थी और उसी के बाद पहाड़ों के ऊपर से भागते हुए हम लोग पहुंच चुके थे इस जगह पे, जहाँ पे भाई बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। यहाँ पे अपन लोगों ने हमारा कैंप फायर बिछाया और यहाँ पे मेरे को एक जोम्बी हमला करने के लिए आया हुआ था। एंड गाइस यार तुम लोग को याद हुआ कि भाई कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे हमें मारने के लिए, लेकिन गाइस मैंने उनसे बातचीत करी और वो लोग मान गए। भाई मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे ना एक गाड़ी की जरूरत है, मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी गाड़ी जो है, तुम्हारे लिए बाइक या गाड़ी हम लोग आगे रोड पे भिजवा देंगे। तो भाई हमें जो है अपने सफर को कंटिन्यू करना है, यहाँ से अपने को जो है घर पे पहुँचना है, लेकिन भाई यहाँ पे बहुत सारे जोम्बीज आ रहे हैं। तो पहले मैं जरा थोड़ा सेफली एरिया पर चला जाता हूँ, और अगर ना अपन किसी हाई जगह पर रहेंगे ना तो वहाँ पर अपन बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर चढ़ाऊँ तो यहाँ पर कोई भी जोम्बी मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, ठीक है। सो गाइस यार सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि अपने को जो है भाई लॉस सैंटोस में पहुंचना है, और अभी भी बहुत ज्यादा लंबा सफर बचा हुआ है अपना, ठीक है। और हम लोगों को जैसे तैसे करके भाई स्ट्रॉबेरी में पावर स्टेशन के पास में पहुंचना है। तो सबसे पहले गाइज अपने को जो है यहाँ पर अपनी वो बाइक ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता उन लोगों ने अभी बाइक छोड़ी भी है कि नहीं, तो मेरे को बाइक ढूंढनी पड़ेगी, और उसी के बाद हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे। और आज अपने को जो है गाइज अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए कुछ टिप्स इकट्ठा करेंगे, जहाँ से अपने को पता लगेगा कि आखिर हमारी फैमिली कहाँ पर है, और कुछ वेपन्स भी क्राफ्ट करेंगे, और अपना पानी खाने पीने का इंतजाम भी अपने को करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं लूटपाट कर लेता हूँ इस जोम्बी से, एंड इन जोम्बीज को मार के अपने को जो है रिसोर्सेज मिलते जाते हैं। तो भाई जो भी जोम्बीज यहाँ पर आएंगे इनको अपन बरसाते हुए जाएंगे। कहाँ जा रहा भाई, इधर ये देखो गाइस, ऐसे जोम्बीज को मारते हैं भाई इसके अंदर। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये ले भाई साहब, क्या ही गंदा मैं मार रहा हूँ। और वो एक सेकेंड वहाँ पे उस जोम्बी को देखो पानी के पास क्या कर रहा है भाई ये। ओके सो गाइस यार एक सेकेंड, मेरे आसपास कोई एनिमीज हैं। ओके रुक जाओ, सबसे पहले काम करता हूँ मैं ना, जरा हमारे स्टैंड को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा कैंप फायर सब कुछ आ चुका है वापस, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे मेरे को ना कुछ जोम्बीज वगैरह दिख रहे हैं आसपास में, इनको भी अपन थोड़ा बहुत लिपटा लेते हैं, एंड उसके बाद में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और भाई साहब यहाँ पे कुछ जोम्बीज नहीं है, बहुत सारे जोम्बीज हैं, और मेरे को कुछ सर्वाइवर से भी बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे कि अपने को पता लगेगा कि आखिर भाई कहाँ कहाँ पे कैंप्स है, कहाँ कहाँ मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकता हूँ। पहले तो मेरे को घर पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहले चेक तो कर लूँ घर पे है भी कि नहीं है, क्या पता वो घर पे सर्वाइव कर रहे हो भाई। वेल गाइज यहाँ पे भाई बहुत सारे जोम्बीज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो भाई यहाँ से भागते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि अपन इस साइड से तो अपन भागते हुए आए थे। तो देखते हैं भाई अपने को ये लोग गाड़ी वाड़ी देकर आएंगे कि नहीं। भाई साहब मेरे को ना यार देखो गाइज यहाँ पे ना गाड़ियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन मेरे को उसके लिए रिपेयर किट चाहिए रहेगी, एंड रिपेयर किट बनाने के लिए भाई बहुत सारा रिसोर्स चाहिए रहता है, तो मैं वो तो अभी बना नहीं सकता हूँ। तो मेरे को भाई सबसे पहले तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे थक चुका हूँ भाई, काम करता हूँ इसको भी ना मार ही देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा तो सेफली रहे अपन। और जोम्बीज जो है भाई यहाँ पे इवॉल्व भी होते हैं, पता है क्या, ये लोग ना जल्दी देखना मैं बता रहा हूँ गाइज, ये लोग भागने भी लगेंगे, ये लोग अपने को मारने लगेंगे भाई। और मेरे को ना यहाँ से जैसे तैसे करके एक बढ़िया सी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी हाई जगह पे, जहाँ पे अपन सेफली रह सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। पता नहीं भाई वो लोगों ने गाड़ी कहाँ रखी है, यहाँ तो मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, पता नहीं उन लोगों ने गाड़ी रखी भी है कि नहीं, या फिर मेरे साथ स्कैम कर दिया। मेरे को देखना पड़ेगा कहीं पे गाड़ी वाड़ी है भी कि नहीं यहाँ पे। वेल यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। ओके मेरे को यहाँ पे सामने बाइक दिख रही है गाइस, अभी मैं फटाफट से निकलता हूँ यहाँ, जितने जोम्बीज हैं ना इनको मार के पहले थोड़ा बहुत रिसोर्स भी इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। आज बहुत सारे जोम्बीज अपने को मारने हैं, आगे चल के अपने को अपने लिए एक नाइफ भी क्राफ्ट करना है। एक बार मैं ना थोड़ा सा देखना चाहूंगा साइड में अपने पास इतना रिसोर्स है कि नहीं है कि मैं क्राफ्ट कर सकूँ। रुक जाओ पहले इसको मार देता हूँ, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा बजेगा। ये ले तेरी ऐसे की तैसे, ये ले भाई इसको पूरा का पूरा मैंने फिनिश कर दिया है, एंड बाकी सारे जोम्बीज भी यहाँ पे जो है ना इनको आवाज़ आ जा रही है। तो सबसे पहले भाई अपने इन्वेंटरी में चलते हैं, एंड आई थिंक अभी देखो सारी चीज़ें मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए नाइफ क्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर मैंने कर लिया नाइफ क्राफ्ट, एंड इस नाइफ को मेरे को अपने बैग से निकालना पड़ेगा। मेरा नाइफ कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड गाइस मेरे को देखना पड़ेगा मेरा नाइफ कहाँ गया। ओके चलो ठीक है, मेरे हाथ में नाइफ आ चुका है। अभी अपन इनको चाकू से मारेंगे ताकि ये आराम से मर जाए, ठीक है। अभी एक बार में मर जाएंगे, पहले अपने को बहुत पंच करना पड़ रहा था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अपन इनको आराम से फिनिश कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत सर्वाइवल के जो हमारे चांसेस है वो भी बढ़ चुके हैं, और हमारा थर्स्ट और हंगर का मीटर भी बढ़ते जा रहा है, तो मेरे को हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे भी रिसोर्सेज में उठा लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ना अभी थोड़ा बहुत हमारे लिए पानी भी, पानी तो अभी मैं आई थिंक बना नहीं सकता, लेकिन खाना भी मेरे को यार कुक करना पड़ेगा। ओके तो मेरे को उसके लिए कैंप फायर बिछाना पड़ेगा, फ्लैश लाइट बना सकता हूँ, दरवाजा बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत मोल्टाउ बना सकता हूँ, और यहाँ पर मैं
दीवारें भी बना सकता हूँ, लेकिन भाई वेपन्स बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे वर्क बेंच चाहिए रहेगी, लेकिन वर्क बेंच अभी मैं क्राफ्ट नहीं कर सकता। तो वर्क बेंच बनाने के लिए मेरे को थोड़ा वो सामान चाहिए, मैं देख लेता हूँ क्या क्या अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे को देखो यहाँ पे मेटल चाहिए। एंड चलो गाइज अभी अपन हमारी बाइक पे बैठते हैं, और गाइज यार ये होने वाली हमारी परमानेंट बाइक, ठीक है। और अभी हम लोग ना इस बाइक से निकलने वाले हैं यहाँ से हमारे सफर के लिए। भाई मेरे को थोड़े बहुत ना यहाँ पे जनरल स्टोर वगैरह भी लूटने पड़ेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग हमारे पहले वाले जगह पे जाए जहाँ पर अपन स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर एक कैंप था मैंने जो कि चेक नहीं करा था। क्या पता भाई उस कैंप में भी लोग हो सकते हैं ना, अभी कोई बचा भी है कि नहीं। और आगे सामने देख सकते हो भाई यहाँ पर एनिमीज़ की गाड़ी है यार। इन लोगों से मैंने बातचीत तो करी थी, बट पता नहीं ये लोग मेरे को मारना क्यों चाह रहे हैं। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन भी मारेंगे भाई अगर अपन से कोई पंगा लेगा तो। मेरे को बढ़िया से एक जगह पर कैंप ढूंढना है भाई, बस यहाँ से निकलते भी आराम आराम से ड्राइव करते हुए भाई। ये अ अ अ आराम से चलेंगे भाई, कोई सीन नहीं है। यहाँ से अपने कैंप के लिए निकलना है अपने को। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आते जा रही है भाई, एक तो सामने मेरे बहुत सारे अभी जो पीछे ही पड़ी है भाई मेरे, आई थिंक वो लोग भी। मैं यहाँ से भाग लेता हूँ भाई, ये अगर मेरे को एनिमीज मारने के लिए आ गए ना तो बहुत दिक्कत बैठ जाएगी अपने लिए। वैसे तो यहाँ पे भी मेरे को एक बढ़िया सी जगह दिख रही है गाइज, यहाँ पे भी ना काफी बढ़िया जगह है ये, यहाँ पे भी मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर मैं इससे उतरता हूँ तो मैं ना इसके ऊपर जाके चढ़ सकता हूँ, एंड यहाँ पे आई गेस कोई भी एनिमीज भी नहीं आ सकते, और ये मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत बढ़िया जगह भी है। देख रहे हो ऐसे टावर्स के अपन ऊपर जाके सर्वाइव कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। सो आज काफी ज्यादा रात हो चुकी है, तो एक काम करता हूँ पहले जरा फटाफट से यहाँ पे कैंप बिछा लेता हूँ ताकि अपन थोड़ा सो सके आराम से यहाँ पे, ठीक है। रात को कोई खतरा नहीं रहेगा इस जगह पे। नाइफ हमारे पास आ चुका है, इन्वेंटरी में जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं फटाफट से अपने लिए एक टेंट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे अपना पहला घर, अभी अपना टेंट, और इसी के साथ जो है यहाँ पर मेरे को भाई एनिमीज आ चुके हैं उनकी गाड़। अबे यार भाई सीन होने वाला है गाइस, जो कैंप फायर फटाफट से लगा लेता हूँ मैं। यहाँ पर एनिमीज आ चुके हैं मेरे को मारने के लिए, मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का भी। देख सकते हो भाई नीचे की तरफ, एक सेकंड गाइस ये देखो नीचे भाई, वो देखो पुलिस की गाड़ी में आए वो लोग, पुलिस वालों की गाड़ियां चुरा चुरा के लेकर आ रहे भाई ये, और ज़ॉम्बी से लड़ाई कर रहे नीचे। देख सकते हो गाइस तुम लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं भाई वो लोग वहाँ पे, वो देखो भाई क्या ही लड़ाई चल रही है इन लोगों की। मेरे को भाई थोड़ा सेफली रहना पड़ेगा ये लोगों, लेकिन अबे ये लोग ऊपर क्यों आ रहे हैं लेकिन। ओके तो दो लोग हैं, ओके दो नहीं अबे चार लोग हैं, मैं इनसे बच भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं गाइस। लेकिन एक काम करता हूं पहले यहां पे थोड़ा बहुत मैं खाना पका लेता हूं अपने लिए, थोड़ा बहुत मैंने खाना पका लिया है, थोड़ा बहुत पानी भी मैं भर लेता हूं। रिसोर्सेज मेरे पास अभी भी डर्टी वाटर बहुत सारा है, तो एक काम करता हूं थोड़ा बहुत मैंने पानी पी लिया है यहां पर, एंड बहुत सारा मैंने पानी बना के रख लेता हूं, ठीक है गाइस। और कुक्ड मीट अपन जो है अभी थोड़ा बहुत और क्राफ्ट कर सकते हैं, रो मीट मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। मैंने कुक मीट भी काफी सारा बना लिया, तो खाने का तो जुगाड़ बैठ चुका है अपना, ठीक है। थर्स्ट और हंगर तो अपन मिटा लेंगे, तो एक काम करते हैं सबसे पहले मैं सोने के लिए चलता हूं। वेल यहां पे बहुत सारे एनिमीज हैं, तो मेरे को यार क्या करूं, मेरे को इनको ना मारना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ओहो और उन लोगों की गाड़ी पे अटक चुके हैं, तो भाई बहुत दिक्कत बैठने वाले मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ पे। क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ गाइस, मेरे को लग रहा है आज की रात ना यहाँ पे सेफ नहीं होने वाली अपने लिए। तो मैं तो भाई अपना कैंप वगैरह सब कुछ उठा रहा हूँ, और अपन लोग यहाँ से जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं क्योंकि इस जगह पे, आराम आराम से उतरते हैं यहाँ से क्योंकि अपने को निकलना पड़ेगा। भाई मेरी बाइक कहाँ रह गई, ओ नो मैं नीचे गिर गया। चल 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 जल्दी बैठ, इससे पहले ये लोग मेरे पीछे आए मैं ना यहाँ से गोली हो लेता हूँ फटाफट से। चल 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 भाग यहाँ से भाई साहब, वो देखो कैसे गोलियां चलाए जा रहे हैं भाई दूर से। मैं तो भाई यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रखे हैं। तो एक काम करता हूँ सबसे पहले मेरे को जो है एक स्टोर लूटना है, तो अपन आसपास में कोई स्टोर देखते हैं। यहाँ पर एक बगल में आसपास में मेरे को स्टोर दिख रहा है, चलते हैं भाई यहाँ पे। थोड़ा बहुत कुछ लूटपाट अगर मिलगी तो भाई अपने लिए ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें करना, क्योंकि अपने को ना जल्दी से जल्दी भाई यहाँ पे वेपन्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे। वेपन्स की अपने को बहुत ही ज़्यादा नीड होने वाली है, और अभी तक तो भाई मैंने कोई भी सर्वाइवर यहाँ पे नहीं देखा है, बट कुछ कुछ सर्वाइवर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिस तरफ एनिमीज हैं वो तो। लेकिन बाकी अगर अपने कोई फ्रेंडली सर्वाइवर मिलता है तो भाई अपने को उनको ना थोड़ा बात करके उनको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं इसलिए। तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। योर फ्यूल लेवल इज लो, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बगल में ही जो है एक गैस स्टेशन है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अपन रिफ्यूलिंग करवा लेते हैं। आराम से चलते हैं यहाँ पर, एंड चलो भाई फटाफट से रिफ्यूलिंग करवा लेता हूँ। चलो गाइस पूरी पूरी गाड़ी का एकदम रिफ्यूल कर देंगे भाई। यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, कितनी ज्यादा रात हो चुकी है गाइस यहाँ पर। वो तो अच्छा है भाई अभी भी इलेक्ट्रिसिटी है इस सिटी में, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती ना भाई तो फिर तो पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। ओहो यहाँ पर आई थिंक कुछ होटल वगैरह के रूम्स है यहाँ पे, तो आई थिंक मैं फिर भी सर्वाइव नहीं कर नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मेरे को यहाँ से दूर ही रहना पड़ेगा। फटाफट से पहले मैं स्टोर में चलता हूँ। ये बाइक ना बहुत ज्यादा आवाज कर रही है गाइस, मैं क्या ही बताऊं। इस बाइक की वजह से ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। मेरे को फटाफट से भाई ये वाला स्टोर लूटना पड़ेगा यहाँ पे। जल्दी लूटपाट कर भाई प्लीज, जल्दी लूट ले भाई यहाँ से। ब्रेड ब्रेड सब कुछ निकाल ले, खाने पीने का सब निकाल लिया, हो गया इधर का काम भी, इधर भी फटाफट से निकाल ले, थोड़ा सा रिसोर्सेज और मिल जाए भाई मजा आ जाएगा। ओके गाइस अपन ने सारी चीजें यहाँ से लूट लिया, और कुछ निकाल सकता हूँ क्या देख लेता हूँ मैं पूरा। यहाँ पे भी लूट सकता हूँ मैं, ठीक है। सारे सेल्फ खाली करके जाऊंगा भाई मैं यहाँ से, इधर तो कुछ नहीं लूट सकता, यहाँ पे भी कुछ नहीं लूट सकता, ठीक है। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भाई
आते जा रहे, देख रहे हो कितने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं भाई। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई सब फटाफट से, और काफी ज्यादा रात हो रखी है, सुबह होगी कि नहीं होगी आज भाई, मेरे को बढ़िया से जगह ढूंढनी पड़ेगी आज के कैंप के लिए भाई। कैंप के लिए जगह तो मेरे को आई थिंक किसी टाउन में ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज है तो मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ यार। अगर मेरे को कोई जगह मिलेगी ना बढ़िया से तो मैं वहाँ पे आराम से अपना घर बिछा के सो जाऊंगा। वैसे आई थिंक गाइस एक सेकंड रुको, मैं ना यहाँ पे भी सो सकता हूँ आराम से, अगर इस घर के ऊपर चढ़ पाया तो आराम से सो पाऊंगा। ठीक है रुक जो यहाँ तो वैसे ज़ॉम्बीज, अबे यहाँ तो भसड़ है ज़ॉम्बीज की पूरी। ओके यहाँ तो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, बहुत दिक्कत बैठने वाली है भाई, यहाँ तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है अपने लिए यार। यहाँ क्या करूँ मैं अभी, चल भाग, मेरे को देखना पड़ेगा रिपेयर किट में क्राफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर होटल तो है लेकिन होटल के ऊपर चढ़ने का कोई तरीका नहीं है मेरे को। ओ एक सेकंड गाइस, यहाँ पे स्टोर है क्या? एक सेकंड यहाँ पे आई थिंक कोई तो स्टोर है। जल्दी उतर भाई, बहुत सारे ज़ॉम्बीज है लेकिन यहाँ पे भी। क्या करूँ, अंदर जा सकता हूँ कि नहीं देख लेता हूँ पहले। अबे लॉक पड़ा हुआ है, ये नहीं जा सकता। चल भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं भाई, इसको ठोक दे साले को, ये ले। अबे सॉरी क्या बोल रहा है, एक सेकंड यहाँ पे कोई, अबे ये कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? अरे भाई एक सेकंड, दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, गेट आउट। तेरे को पता है ज़ॉम्बीज है तेरे पीछे वहाँ पे साड़े, ये ले ठुक जा तू भी। भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं यहाँ पे और ये बोर्ड लगा के खड़ा हुआ है भाई। कैसे लोग है भाई, इनको डर ही नहीं है ज़ॉम्बीज का बिल्कुल भी। साला इधर फटी पड़ी है भैंस की, क्या करे अभी। ओके चलो गाइस यार, यहाँ पे मेरे को एक और स्टॉल दिख रहा था लेकिन आई थिंक कुछ फायदा नहीं है स्टॉल के लिए तो अपने को भाई यहाँ पे। ओहो आई थिंक यार इस डेजर्ट वाले एरिया से मैं कब बाहर निकलूंगा भाई, कितना दूर है यार यहाँ से निकलना। ओके आसपास में एक और स्टोर है गाइस, इसको भी लूटपाट करते हैं फटाफट से। और एक सेकंड गाइस एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे बगल में एक और स्टोर है लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे कुछ फ्रेंडली अपने को जो है लोग मिलने वाले हैं, तो अपन उनसे बातचीत भी करके आएंगे थोड़ी बहुत जाके। ठीक है अगर वो लोग भाई अगर फ्रेंडली हुए तो अपने ग्रुप में ऐड करवा लेंगे उनको। लेकिन यहाँ पे आवाजें आ रही है किसी चीज की भाई, रेडियो वीडियो चल रहा है यहाँ पे। अबे यार मैं कहाँ पे जाऊँ यार, साला सरवाइव करना है आज की रात को जैसे तैसे करके भाई, बड़ा ही खतरा हो रखा है यहाँ पे। सुबह हो ही नहीं रही है भाई, रात ही रात चल रही है बस आज के दिन तो भाई, मेरे को सोना पड़ेगा यार, क्या करूँ। गाइस गाइस रुक जाओ मेरे को जगह दिख गया, अभी काम करते हैं। सिर्फ मैं बाइक की वजह से सरवाइव कर पा रहा हूँ कसम से भाई, यहाँ पे मैं चढ़ सकता हूँ क्या कहीं पे? आई थिंक अगर क्लाइम कर पाया तो ईजी रहेगा अपने लिए सारी चीजें करना। जल्दी इसके ऊपर चढ़ जा। ओके नहीं चढ़ सकता, अबे ओए पागल से पिटवाएगा तू। वैसे यहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं है देखा जाए तो, एक तरह से यार है ज़ॉम्बीज तो है, मेरे को थोड़ा एरिया क्लियर करना पड़ेगा तभी मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ लग रहा है मेरे। रुक जाओ काम करता हूँ पहले उसके ऊपर ट्राई करता हूँ। हाँ चढ़ जाएंगे। ओके गाइस आई थिंक अपना कैंप का दिन लाइक यहाँ अपने कैंप की जगह तो मिल गई है मेरे को। फटाफट चाकू निकाल भाई, आओ मैडम क्या चाहिए आपको, ये लो। साला हमसे पंगा लोगे तुम लोग। वैसे तो सुबह होने को आ चुकी है, एक काम करते फटाफट चलते भाई, वैसे तो सोए नहीं है क्योंकि भाई सोना भी जरूरी है अपने लिए। ठीक है ओ माय गॉड एक सेकंड, इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, बट एनिमीज का यार वो दिखाएगा फिर मेरे को, सारे एनिमीज क्लियर करने पड़ेंगे। मैं अपना कैंप तो बिछा नहीं सकता यहाँ पे भी, मेरे को और भी ज्यादा बढ़िया सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई। कैंप की लोकेशन ढूंढना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, अदरवाइज अपन कभी भी सेफली कहीं पे भी रह नहीं पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ स्टोर के आसपास में, अगर नहीं यार स्टोर के आसपास तो दिक्कत बैठेगी फिर। चलो एक काम करते हैं, पहले ना अपन फ्रेंडली नेबर से मिलकर आते हैं, इनकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे और इनको बोलेंगे अपने साथ आ जाए। ठीक है अगर ये सही में फ्रेंडली हुए तो मजा आ जाएगा, किसी ना किसी को अपनी टीम में हायर कर लेंगे और उनको बोलेंगे अपने साथ चलने को। ठीक है हमारी बहुत मदद करेंगे भाई ये लोग। साला मेरे को ऐसे को लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, आई होप ना ही हो तो बढ़िया रहेगा। आई थिंक मेरे को अपनी बाइक यहीं छोड़नी पड़ेगी गाइस। रुको फटाफट चलते हैं, हेल्प करेंगे अपन थोड़ी बहुत, इनको बोलेंगे अपने साथ चले। ओके यहाँ पर है कोई, गोलियां भी चला रहा है किसी के, तो बंदूक भी है मतलब यहाँ पे है। अबे इन सब पे, अरे इधर आओ इनसे बातचीत करने दो गाइस। वेल गाइस मैंने यहाँ पर इस बंदे से बात करी, इसने बोला कि ये मेरी ना फैमिली को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगा। सो इसने बोला है कि तेरे पास अगर कोई गाड़ी है तो मेरे को अपने साथ लेके चल, मेरे पास बंदूक है तो मैं तेरी पूरी की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। गाइस यार मैं इसको लेके चलता हूँ अपने साथ में, क्योंकि भाई ये अभी हमारी हेल्प करेगा ज़ॉम्बीज को मारने में भी और एनिमीज को मारने में भी। ठीक है अभी हमारा थोड़ा काम जो है आसान हो जाएगा। चल आजा जल्दी से, आ जाओ जल्दी बैठो बाइक पे आई होप बैठ पाइए। वेल गाइस फाइनली अपन ने हमारा एक दोस्त बना लिया है। ठीक है एंड अभी हम लोग इसके साथ में अपना सफर आगे जाने वाले हैं। भाई मैं तो किसी की हेल्प नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ अभी, बस ये एक ही बंदा है जो हेल्प करेगा हमारी। ठीक है ये देख रहे हो गाइस, सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारने में हमारी पूरी की पूरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। वेल दैट इज रियली नाइस। ये ले साढ़े तेरी ऐसे की तैसी, अभी भाई काफी आराम से अपन सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाई रुक जाओ गाइस, यहाँ पे फटाफट से स्टोर में चलते हैं और यहीं पे बगल में गैस स्टेशन भी है। ओके रुक जाओ मैं ना अंदर जाकर आता हूँ, ये तब तक मेरी हेल्प करता रहेगा यहाँ पे। चल अंदर चल। ओके यहाँ पे हम फटाफट से लूटपाट कर लेता हूँ, तब तक आराम से लूटपाट कर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके तो गाइस मैंने स्टोर लूट लिया है और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। अभी मैं फटाफट से, अरे एक सेकंड गाइस यहाँ पे जेरी कैन पड़ा हुआ है। चलो अभी ना अपन गाड़ी को जो है अपन खुद रिफिल कर पाएंगे। गाइस देख सकते हो हमारे पास जेरी कैन आ चुका है, जिसके अंदर भाई 4.5 लीटर जो है तेल भरा हुआ है। ठीक है इसको फटाफट से रिफिल कर लेता हूँ मैं, जल्दी बैठ जा भाई। वेल गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं हमारे लॉस सैंटोस के सफर के लिए, क्योंकि भाई अभी हमारे साथ हमारी एक हेल्प भी है। पर अगर मेरे को गाड़ी मिल जाती ना बढ़िया सी, जो कि मेरे को बनानी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं पहले ना एक बढ़िया सी कैंप की लोकेशन ढूंढते हैं। ठीक है जहाँ पर अपन आराम से अपनी काफी सारी चीजें कर पाए। वैसे तो ये जगह भी बढ़िया है गाइस, इसके ऊपर चढ़ पाया अगर तो मजा आ जाएगा भाई फिर तो, बट आई थिंक मुश्किल ही लग रहा है इसके ऊपर चढ़ना तो भाई। तो चलो अभी ना एक काम करते हैं, यहाँ से तो निकलता हूँ भाई कैंप
तो वैसे काफी बढ़िया जगह लग रही थी, प्यारी सी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां भी है, रिपेयर किट बना पाया तो गाइस मजा आ जाएगा, अपन गाड़ी बना के निकलेंगे भाई यहाँ से। फिर गाइस ये वाली जगह बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई। चलो एक काम करते हैं, ये वाली जगह होगी अपनी कैंप की, ठीक है। उस वाली जगह को जो है यहाँ पे मैं फटाफट से, पहले मेरे को एरिया क्लियर करना पड़ेगा जो। चलो यहाँ पे चलते हैं, थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। ज़ॉम्बीज़ को मारना बहुत जरूरी है ताकि अपन यहाँ पे आराम से रह सके। भाई ये ले, आ तू भी आ, ये ले आ जा, तू भी आ जा। क्या कर रहा है ये, हेल्प करने वाला कहाँ चला गया गाड़ी? अबे भैंस क्या, किसके रुक जाओ, चल 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 आ जा, गोलियां मार भाई इनको। क्या कर रहा है तू भाई, तो गोलियां नहीं चला रहा, हेल्प कर सकता उसके बाद भी। मार 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 इनको, सबको मार दे भाई। ये तो हेल्प ही नहीं कर रहा, हेल्प करने के नाम पे सिर्फ स्कैम कर रहा मेरे साथ भाई। चलो इसको मारते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको मारेंगे इसकी ऐसी की तैसी। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एरिया क्लियर कर दिया, लेकिन थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ अभी भी बचे हुए हैं, इनको भी मारना पड़ेगा। लेकिन एक काम करता हूँ, पहले ना फटाफट से यहाँ चलता हूँ ऊपर, जरा मैं ट्राई करता हूँ इसके ऊपर, अगर मैं चढ़ पाया तो अपने लिए आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर गाइस अभी मैं जो है अपने लिए कैंप लगाने वाला हूँ ताकि अपन यहाँ पर सर्वाइव कर सके। आई होप कि यहाँ पर भाई कोई एनिमीज वगैरह, वैसे तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है वाली जगह, कोई भी आ सकता है यहाँ पे और कोई भी ज़ॉम्बीज वगैरह पे ना हमला कर सकते हैं, बट ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन एनिमीज जो है ना भाई, वो गोलियां चला सकते हैं ऊपर आके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कैंप फायर भी मैंने बिछा दिया फिलहाल तो। एंड यहाँ पर जो है गाइस थोड़ी देर आराम करते हैं, काफी दिन से भाई हम लोग बस घूम रहे हैं इधर उधर जा जाके, इसलिए। वेल यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमीज है जिनको अपने को पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है यहाँ पे सो सकते। और यहाँ पर मेरे को स्पोर्ट्स गाड़ी भी दिख रही है जो कि मैं लेके जाना चाहता हूँ, मन तो कर रहा है, बट क्या करे यार, साला भी बना नहीं सकता शायद रिपेयर किट वगैरह। मैं ये ले आ गया, घोप दिया भाई, चाकू घोप दिया मैंने इसके अंदर भी। ओके आई गेस सारे ज़ॉम्बीज मैंने क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे लगभग। ऑलराइट ये भी हो गया पूरा। भाई सायरन वायरन बज रहे हैं यहाँ पे आसपास में बहुत सारे, देख रहे हो गाइस कितने सारे ज़ॉम्बीज मैंने यहाँ पे भी ऑलरेडी मार दिए हैं। मेरे को जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचना है और आराम से भाई चिल करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफी दिन से भाई अपन ऐसे भाग रहे हैं। भाई आ जा भाई, क्या कर रहा है तू? चलो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अबे चलना आराम कर ले थोड़ी देर भाई, गजब है भाई, आराम नहीं कर रहा। अबे यार कितने एनिमीज है भाई, सबको मार तो दिया था मैंने, नीचे क्या कर रहा है, इसको मार तो दे भाई, हेल्प तो कर ही नहीं रहा मेरी बिल्कुल भी भाई ये लोग। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एरिया भी क्लियर कर दिया है, एंड अभी अपन लोग फाइनली जो है यहाँ पर आराम कर पाएंगे, तो यहाँ चलते हैं एंड थोड़ी देर के लिए गाइस यहाँ पर आराम करते हैं। वेल गाइस वेदर तो क्लियर लग रहा है, काफी ही तेजी से हवा भी चल रही है आज तो। एंड जो हमारे साथ जो अंकल आए हुए हैं, आई मीन जो हमारे साथ जो बंदा है, इस समय को बातचीत करके देखता हूँ क्या सीन है भाई। तो गाइस यार मैंने इससे थोड़ी बहुत बातचीत करी है और इसको बोला है कि भाई अभी ना बिल्कुल भी गन्स वगैरह यूज मत करियो, एंड यहाँ से जो अपने को आराम से निकलना है। सो उसके लिए अपने को जो है गाइस सबसे पहले जो है अपने को यहाँ से आराम से निकलना है। सो अभी ना किसी भी ज़ॉम्बीज वगैरह को नहीं मारेगा, ये सिर्फ अपने को फॉलो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यार अभी भी मैं ना व्हीकल रिपेयर किट यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, एंड मैं जो है अभी भाई यहाँ से मैं निकलना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, वैसे मेरे को ये वाली जगह काफी सेफ लग रही थी, बट गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग हमारा कैंप जो है लॉस सैंटोस में ही बनाए। पहले यहाँ पे बहुत मेहनत करी है अपन ने, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मेहनत और कर लेंगे तो हम लोग काफी सेफ जगह पे जो है कैंप बना पाएंगे। तो फटाफट से मैं जो है यहाँ से अपना कैंप को उठा लेता हूँ, एंड अभी अपन बाइक पे निकलते हैं यहाँ से। जल्दी आ जाओ भाई, बाद में मारियो उसको। क्यों मार रहा भाई, रहन दे, तेरे को बोला मना कर दी, उसके बाद में गोलियां चला रहा बे मतलब के। चलो गाइस अभी इसके साथ चलते हैं अपन। रुक जाओ एक काम करते हैं, मेरे को लॉस सैंटोस में जाने का कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा यहाँ से। कोई अगर अपने को बोट वगैरह मिलेगी ना गाइस तो अपन वहाँ से आराम से निकल पाएंगे, लेकिन बोट यार मुश्किल ही लग रहा है मेरे को मिलेगी यहाँ पे कहीं पे भी। चलो अभी यार बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पे, रुक जाओ गाइस, पहले ना पानी की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे अगर कोई बोट अपने को मिल जाती है जो कि खराब ना हो रखी हो। वेल गाइस थोड़ी देर बाद मेरे को एहसास हुआ कि भाई मैं ना उल्टा जा रहा था, मेरे को जो है दूसरे तरफ से निकलना है। तो भाई अपने को हमारी गाड़ी का फ्यूल का भी ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी बाइक डैमेज भी ना हो इसका मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे बाइक तो डैमेज नहीं होने वाली है तो उसका तो कोई सीन नहीं है, बट मेरे को ना गाड़ी चाहिए क्योंकि भाई इसमें भी ना एनिमीज अपने को आराम से मार सकते हैं बाइक पे, इसलिए अपना सफर तो सीधा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसके लिए। भाई ठोक दिया मैंने गलती से। यहाँ पे रिसाइकलिंग सेंटर है, ओके यहाँ ठीक है, इस साइड में मैं गया था लास्ट टाइम, तो अभी अपने को यहाँ से नहीं जाना है, लॉस सैंटोस राइड में पड़ेगा यहाँ से। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं आराम आराम से भाई, कोई सीन नहीं, अभी बहुत ज्यादा लंबा सफर अभी अपना होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे भाई अपने को भी आगे जाके, भाई आगे हमारी जर्नी और भी ज्यादा टफ होने वाली है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलेंगे गाइस अपने को भी। वेल गाइज मैं अच्छा खासा जा ही रहा था, मेरी गाड़ी ठुक गई भाई यहाँ पर और मेरे को अपनी गाड़ी में दोबारा बैठना पड़ा। लेकिन गाइज ने गोली चला के ना सारे ज़ॉम्बीज को बुलावा दे दिया कि मैं यहाँ पर हूँ। और एक सेकंड गाइज यहाँ पे किसी ने ज़ॉम्बीज को मारा हुआ है भाई इस रास्ते पे, इसका मतलब यहाँ दिक्कत बैठने वाली है गाइज। यहाँ पे लग रहा है मेरे को और भी ज्यादा सर्वाइवर्स हैं, बट मैं अभी फिलहाल तो इसलिए सर्वाइव कर पा रहा हूँ बिकॉज हमारे साथ ये अंकल जी बैठे हुए हैं जो कि हमारी मदद कर रहे हैं अभी फिलहाल तो। ये देखो गाइज ज़ॉम्बीज भाई। तो गाइज यार फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर ड्राइव करते हुए जा ही रहे थे और यहाँ पर भाई लॉस
सेंटोस भी सामने अपने को देखने को मिल रहा है। सामने जल्दी अपन लॉस सेंटोस के अंदर एंट्री करने वाले हैं। इस ब्रिज के क्रॉस करते ही अपन लॉस सेंटोस के अंदर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, तो गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सेंटोस के अंदर और अभी काफी ज्यादा राहत होने लगी है भाई। और लॉस सेंटोस का हाल जो है वो बेहाल होने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुरी हालत है और यहाँ पे एक कसिनो है, कसिनो में लेकिन यार काफी सारे लोग होंगे तो वहां जाना सेफ रहेगा मेरे लिए। पर अगर वहां पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ बैठ गया तो मजा आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ एक बार, अगर कसिनो में अपने को कुछ मिल जाता है तो भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है इस जगह की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है भाई, कसम से। कसिनो में मैं आई थिंक जा भी नहीं सकता हूँ अभी फिलहाल। हो यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मैंने चेक करके देख लिया गाइस, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा अभी वापस। ओहो यार भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं लिटरली भाई। लॉस सेंटोस में के भीड़ भाड़ के इलाके में तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल ही लग रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मेरे को थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ बढ़िया सी लोकेशन देखता हूँ गाइज, अगर कुछ बढ़िया सा इलाका मिल जाता है जहाँ पे अपन सरवाइव कर पाए तो मजा आ जाएगा। तो गाइज यार फाइनली हम लोग हमारे घर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। मैं कैंप ढूंढ रहा था लेकिन कैंप की अपने को भी जरूरत नहीं है, अपन सीधा हमारे घर पे जाएंगे। देखते हैं वहाँ पे भी कोई बचा भी है कि नहीं। काफी सीधा रास्ता है और बीच में मेरे को, अरे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है भाई। अरे नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, हमारे घर के पास अगर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हुए ना भाई तो अपन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मेरे को आराम से निकलना पड़ेगा। योर फ्यूल इज लो गाइस, थोड़ी दिक्कत बैठने वाली है और एनिमीज़ में हमारे पीछे पड़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सेफली रहना पड़ेगा, मेरे को फ्यूल पंप ढूंढना पड़ेगा पहले तो। अपन जरा फटाफट चलते हैं एंड अपनी गाड़ी में रिफ्यूल करवा लेते हैं। वैसे घर पास में ही है तो रिफ्यूलिंग के लिए अपन जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई सीन नहीं उसका भी। ओके अपन लगभग हमारे घर के पास पहुंचने वाले गाइस। प्लीज यार कोई खतरा वतरा ना हो बीच में, बस यहां से सीधा निकलता हूं मैं। ओके मेरे को एक बढ़िया सी जगह तो मिल गई, आई थिंक इन बिल्डिंगों के अंदर ऊपर जा सकते हैं अपन, आराम से यहां पे सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है तो गाइस एक काम करते हैं, यहीं बगल में कहीं ना कहीं कैंप बिछा लेते हैं अपना, ताकि थोड़ा सेफली रहे। यहां पे वैसे तो ज़ॉम्बीज़ मेरे को लग नहीं रहे इतने सारे, कोई होगा यहां पे। यहां से मेरे को पहले देखने दो कहीं से बाहर निकल सकता हूं मैं यहां से। ओके ये रास्ता टूटेगा भी नहीं भाई, दिक्कत बैठेगी फिर तो। अबे मैं फंस चुका हूँ भाई इस जगह पे एकदम गंदी तरह से, दिस इज रियली बैड गाइस। ओके रास्ता मिल गया मेरे को, ठीक है। तो भी एक काम करते हैं, मेरे को ना ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से। फटाफट से उतर यहाँ पे, रुक जाओ गाइस एक काम करते हैं, इसके ऊपर तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा यार, मेरे को घरों के। ओह नो यहाँ पर एनिमीज आ चुके हैं, मेरे को भागना पड़ेगा भाई। ओह नो 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 नो। वेल गाइस एनिमीज से जैसे तैसे करके मैं बच के निकल चुका हूँ, क्योंकि भाई ये लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं और मेरे साथ जो बंदा आया हुआ था भाई उसको भी इन लोगों ने मार दिया। और मुझे यहाँ से भाई जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचना है, लेकिन ये एनिमीज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्या करूं अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। वेल गाइस मैं अपने घर के पास तो पहुंच चुका हूं, लेकिन भाई यहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और मेरी गाड़ी का तेल भी खत्म हो चुका है और उसका टायर भी उस एनिमीज ने फोड़ दिया, तो उसको दिक्कत हो रही है। मैं फटाफट से अंदर चलता हूं, क्योंकि ऊपर मेरे को एक रास्ता दिख रहा है जहां पे मैं आराम से सर्वाइव कर पाऊंगा। तो सबसे पहले भाई मैं ऊपर पहुंचता हूं यहां से, ताकि हम लोग यहां पे अपना थोड़ा सेफली रह सके, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होने वाली है यहां पे अदरवाइज। तो गाइस यार मेरा घर तो सामने ही है, मेरे को अपने घर पे जाके थोड़ा चेक करके आना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, अपना कैंप वगैरह सब कुछ मैं पहले यहीं पे लगा लेता हूं, ठीक है, ताकि अपन आराम से वहाँ पे चेक वगैरह कर सके, थोड़ा बहुत खाना वाना सब कुछ खा लेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना कैंप वगैरह सब कुछ बिछा दिया है, फटाफट से यहाँ पे पानी पी लेता हूँ थोड़ा बहुत और देख लेता हूँ मेरे को भूख लग रही है कि नहीं। भूख भी थोड़ी बहुत लग रही है, तो काम करता हूँ थोड़ा बहुत एंड थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। चलो आई थिंक अभी सब कुछ फिल हो चुका है। और नीचे बहुत खतरा है, मेरी गाड़ी का टायर फट चुका है तो मेरे को भाई उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बाइक ऐसे चलेगी नहीं। और आई थिंक एनिमीज आसपास ही है भाई मेरे, मेरे को घर तक पहुंचना पड़ेगा यार, मेरे को ना देखना पड़ेगा घर पे कोई है भी कि नहीं है अभी फिलहाल तो। चल ओ नो ले भाई बच गया। एक सेकंड, दूर रह, दरवाजा बंद करवा वापस। ओ नो गाइस बहुत खतरा होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मेरे को उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपने घर तक तो पहुंचना है भाई, चेक करके आना पड़ेगा। ये लो सालो तुम्हारी ऐसे की तैसी, ये लो सबको मार दूंगा गाइस मैं। वेल गाइस मैंने पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज़ की भचड़ मचा दिया यहाँ पर। ओके आई गेस अभी ठीक है। और ताकि अपने को भाई कुछ भी ना हो तो एक काम करता हूँ, मैं ना फटाफट से अपने लिए एक मोल्टो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इनको भाई जलाना भी पड़ेगा यहाँ पे इसलिए, ठीक है। इनकी सारी की सारी बॉडीज को मैं जला देता हूँ फटाफट से। अबे मोल्टो कहाँ गया मेरा, एक सेकंड गाइस मोल्टो निकालने दो फटाफट से, और इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मैं जलाने वाला हूँ। सो इनके ऊपर फेंक दे फटाफट से, ताकि ये सबको जल जाए। ओके इन सबको भाई ठिकाने पे लगा देता हूँ मैं, आ जाओ भाई कौन सा आ रहा है अभी। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मैंने मार दिया है और जला दिया, ताकि किसी को पता ना लगे कि भाई मैं यहाँ पर आया था। बट यार अगर मैं जला दूंगा तो यार सबको पता लग जाएगा। ओह नो मैं कहीं ना जल जाऊं, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ पहले तो, गोली हो लेता हूँ। पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज़ को मैंने यहाँ पे जला दिया गाइस अभी फिलहाल, ठीक है। एंड मैं जा रहा हूँ अपने घर के अंदर। भाई यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है बहुत सारी, हॉर्न वॉर्न बजा रहा है कोई यहाँ पे। चल अंदर चल जल्दी, मार साले को, ये ले गोप दे। अरे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं भाई यहाँ तो, क्या करूँ मैं, ये ले इन सबको मारना पड़ेगा गाइस मेरे को भी। तो गाइस यार यहाँ पे मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है एंड अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो एक काम करता हूँ सबसे पहले तो अपने इस घर के अंदर चलता हूँ। तो गाइस यार मैं घर के अंदर जाकर आ चुका हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें हमारी फैमिली वहाँ पर नहीं मिली। एंड गाइस यार अपने को अपनी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया है, उस लेटर में लिखा है कि हम लोग अभी कैंप में जा रहे हैं। अब ये नहीं बताया उन लोगों ने कि कौन से कैंप में जा रहे हैं। तो अपने को भाई जितने भी फ्रेंडली नेबर्स यहाँ पे मिलते हैं, जितने भी फ्रेंडली
कई लोग अपने को मिलते हैं, उन्हें उनसे अपने को जो है बातचीत करनी पड़ेगी जाकर के उन लोगों ने हमारी फैमिली को देखा है कि नहीं। सो गाइस यार अपने को अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरी गाड़ी भी खराब हो चुकी है और अपने को बढ़िया सी गाड़ी भी चाहिए है, तो भाई अपने को रिपेयर किट भी बनानी पड़ेगी और अपने को तैयार होना पड़ेगा भाई, क्योंकि एनिमीज भी बहुत सारे मिलने वाले हैं, दिक्कतें भी आगे अपने को बहुत सारी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो भाई मैं ऊपर चलता हूँ एंड हमारी बाइक अपने को रिपेयर करनी है, बट भाई रिपेयर कर नहीं सकता मैं, टायर फटा हुआ है क्योंकि टायर हमारे पास अभी है नहीं एक्स्ट्रा टायर, ठीक है। वेल गाइस आज के इस एपिसोड को अपने को बस यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने ट्राई तो किया कि हमें हमारी फैमिली मिल जाए, लेकिन घर पे अपने को कोई भी नहीं मिला, लेकिन जो लेटर मिला है उसके हिसाब से अपने को जो है सारे के सारे कैंप्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा चेक करके आना पड़ेगा कि भाई वहां पे अपनी फैमिली जिंदा है भी कि नहीं, या फिर वो लोग यहां से चले गए हैं, ठीक है। तो गाइस यार नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हमारे लिए एक रिपेयर किट बनाएंगे गाड़ी की, जिससे अपने को बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी, उसके बाद भाई थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे अच्छा खासा और सर्च करेंगे भाई कि हमें हमारी फैमिली कहां पे मिलेगी, हम लोगों को हर एक लोग से बात करनी पड़ेगी और उसी के साथ अपने को काफी सारे स्टोर्स भी लूटने पड़ेंगे ताकि हमारे खाने पीने का जुगाड़ बैठा रहे और खाना पीना जो है खत्म ना हो, ठीक है। तो चलो गाइस यार थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, अगर मजा आता नहीं चला एक बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।